टाइम था 20 अक्टूबर 2007 का, जब अमेरिका के ब्राइटन टाउनशिप में एक लड़की वापस अपने घर पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसने ही वाली थी, तो उससे जस्ट थोड़ी ही देर पहले उसने अपने घर से गोलियों की चलने की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही वो घर पर पहुंची और वहां पर जाकर जो उसने हाल देखा, उसे देखकर उसका सिर घूम गया कि आखिरकार यार मेरे परिवार के साथ ये सब क्या हो गया। ये एक काफी बड़ी पहेली उसके भाई के लिए भी थी, जो कि उसी घर में उस टाइम मौजूद था। लेकिन उसके मुताबिक वो उस टाइम अपने कमरे में था, लेकिन जब तक वो बाहर आया तब तक ये सारा कांड हो चुका था। वो लड़की अंदर जाकर देखती है और उन लोगों ने देखा कि उसके पिता के हाथ में बंदूक है और सामने उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी हुई है, और इसके साथ साथ उसके पिता ने अपने आप को भी गोली मार ली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं हूँ नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफ बीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरी, सोल्ड अनसोल्ड केसेस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। दोस्तों, ये घटना है 2007 की, जब अमेरिका के ब्राइटन टाउनशिप में पैट्रिक फैमिली बड़े ही आराम से रह रही थी। परिवार का मुखिया मार्क एक कंपनी में लगा हुआ था और वहीं उनकी माँ सूजन एक नर्स लगी हुई थी। इनके तीन बच्चे थे, जिनमें एक लड़का डैनियल पैट्रिक और दो लड़कियां शामिल थी। अभी तक इनका परिवार बड़े ही शांति से अच्छे से टाइम बिता रहा था। लेकिन उसके बाद टाइम आया 20 अक्टूबर 2007 का, जब डैनियल की बहन मार्केट गई हुई थी और वो वापस घर पर आ रही थी। वो गली में ही आई थी कि तभी उसे अपने घर से गोलियों की आवाज आने लगती है। वो घबरा गई कि आखिरकार ऐसी क्या चीज हो गई कि हमारे घर पर गोलियां चल रही हैं, और इसी बात को देखने के लिए वो दौड़ती दौड़ती अपने घर पर आती है। घर का दरवाजा खुलवाती है और दरवाजा खोलने के लिए डैनियल आता है। डैनियल अब काफी ज्यादा घबरा चुका था, और जैसे ही दरवाजा खोला जाता है और उसकी बहन अंदर आती है, तो उसने डैनियल से पूछा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। डैनियल भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था और उसने हड़बड़ाहट में अपनी बहन को बताया कि हमारे पिता ने माँ के ऊपर गोली चला दी है और उसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली है। ये बात सुनकर डैनियल की बहन काफी ज्यादा घबरा गई और उसने जाकर पुलिस के पास कॉल किया। उसने पुलिस वालों को बताया कि मैं अभी अभी मार्केट से वापस आई हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर पर पहुँचने ही वाली थी, उससे पहले ही मेरे घर पर गोलियां चलने लगी। मैंने जब यहाँ अंदर आकर देखा तो मेरे पिता ने मेरी माँ के ऊपर गोलियां चला रखी थी और आखिर में उन्होंने खुद के ऊपर भी गोली चला ली। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले उनके घर पर आ पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर तहकीकात करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। और सबसे पहले पुलिस वालों को इस बारे में पता चलता है कि उनकी माँ सूजन ने तो हाथों हाथ उसी टाइम जान गंवा दी, लेकिन उनके पिता अभी भी जिंदा थे। तो उन लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस का प्रबंध किया और वहां पर एम्बुलेंस आकर उनके पिता मार्क को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इस टाइम डैन काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो लगातार पुलिस वालों को एक ही बात बोल रहा था कि मेरे पिता ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। तो पुलिस वालों ने डैन को वहीं पर आराम से बैठाया और उससे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन वो उस टाइम काफी ज्यादा घबराया हुआ था, तो पुलिस वालों ने सबसे पहले तो वहाँ पर उनके घर पर तहकीकात की कि आखिरी टाइम यहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा, और दूसरी तरफ मार्क को भी हॉस्पिटल भेज दिया। और ये सारी की सारी चीजें जब हो चुकी थी, तो आखिरकार पुलिस वाले डैनियल को अपने साथ
साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर आराम से बैठाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि बेटा तुमने आखिरी बार वहां पर क्या कुछ देखा था। तो डैनियल ने बताया कि मेरे माता पिता के बीच बाहर काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, मैं अपने रूम में था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो मैंने देखा कि मेरे पिता मेरी माँ की तरफ गन तान कर खड़े हैं और मेरे देखते ही देखते उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब गोलियां चल रही थी तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया। सबसे पहले तो मैं भी कुछ समझ नहीं पाया कि मेरे पिता ने माँ के ऊपर बंदूक क्यों तान रखी है, लेकिन जब उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाई तो मैं भी पूरा सुन्न हो गया। लेकिन उनके ऊपर गोलियां चलाने के बाद उन्होंने रिवॉल्वर का मुंह मेरी तरफ कर दिया। मैं अब काफी ज्यादा घबरा चुका था और मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बंदूक की गोली की स्पीड मेरी स्पीड से काफी ज्यादा है। लेकिन मेरे पिता ने मेरे ऊपर गोली नहीं चलाई, जबकि उन्होंने उस गन को अपनी तरफ तान लिया और आखिरी में उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि मुझे माफ कर देना, और उसके बाद उन्होंने खुद के ऊपर भी गोली चला ली। मार्क की सर्जरी करनी शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसकी बंदूक की गोली इसके सिर से नहीं जबकि इसके जबड़े से आर पार हुई है। तो वो लोग उसकी सर्जरी करना शुरू करते हैं और कुछ एक देर सर्जरी करने के बाद आखिरकार डॉक्टर भी ये बात बोल देते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन होश उन्हें अभी तक नहीं आया है। उसके पिता लगभग 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहते हैं और आखिरकार उन्हें भी होश आ गया। पुलिस वाले तो इसी वेट में थे और होश आते ही पुलिस वाले जा पहुंचते हैं उनके पास और पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि आखिरकार आपने ये सब क्यों किया। तो मार्क ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे पुलिस वालों का भी दिमाग घूम गया कि यार ये तो कातिल है ही नहीं। और मार्क से पूरी डिटेल लेने के बाद वो लोग डैनियल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। वो लोग डैनियल से पूछताछ करनी शुरू करते हैं और इसके साथ साथ उसके पिता मार्क से भी पूरी पूछताछ करते हैं। तो आखिर में कहानी सामने निकल कर ये आई कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब डैनियल स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो अपना स्पोर्ट्स कर रहा था तो उस टाइम उसे चोट लग गई और डॉक्टर्स ने उसे ये बात बोल दी कि अगर आगे की जिंदगी उसे आराम से बितानी है तो उसे स्पोर्ट्स छोड़ना होगा, क्योंकि उसे स्पाइनल इंजरी आ चुकी है और अगर दोबारा से उसे वहीं पर चोट लग जाती है तो बाकी की जिंदगी इसकी बर्बाद हो जाएगी। डैनियल को जब ये बात पता चलती है तो वो अंदर तक टूट गया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा रुचि रखता था और अब देखा जाए तो वो पूरा का पूरा दिन अपने कमरे में यूं ही लेटा रहता था। लगभग 8-10 महीने यूं ही बीत जाते हैं और उसके बाद डैनियल अपना टाइम पास करने के लिए कंप्यूटर पर गेम खेलना शुरू कर देता है। अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वहीं कंप्यूटर पर बिताया करता था पूरा का पूरा दिन गेम खेलते हुए, और वो कोई नॉर्मल गेम नहीं खेलता था जबकि खेलता था कुछ इस तरह के गेम जिनके अंदर काफी ज्यादा मारधाड़ रहती थी। तो उसके पिता मार्क डैनियल से ये बात बोलते हैं कि बेटा तुम ये जिस तरह के गेम खेलते हो ये तुम्हारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो और यहाँ पर तुम तरह तरह की मारधाड़ करते हो और बाहर जाकर भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में यही बात बैठी रहे और तुम वहां पर कोई कांड बैठा दो, तो तुम्हें ये सारे के सारे गेम बंद कर देने चाहिए। लेकिन जब से उसका गेम छूटा था उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता था और वो पूरा का पूरा दिन गेम खेलकर ही अपना टाइम पास किया करता था। लेकिन अब उसके पिता जब इस बात से भी उसे मना कर देते हैं तो उसकी जिंदगी फिर से बोरिंग होने लगी। लेकिन अभी तक डैनियल को उन सारे गेम्स की काफी ज्यादा बुरी लत पड़ चुकी थी। मार्क ने अपने बेटे को काफी ज्यादा समझाया और आखिरकार डैनियल समझ भी जाता है जिस तरह की मार्क ने सोचा था, क्योंकि अब उसने अपने घर पर गेम खेलना बंद कर दिया था। लेकिन असल में अभी भी वो गेम खेलता था, बस उसने अपने गेम खेलने का जगह चेंज करके अपने दोस्त के घर को बना लिया था और वो वहां पर अपने दोस्त के पास ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगा। और उसके बाद टाइम 2007 का आया जब एक और नया गेम लॉन्च हुआ और उस गेम का डैनियल काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। ये गेम भी बिल्कुल उसी तरह मारधाड़ वाला था, काफी ज्यादा वॉयलेंस वाला था, लेकिन मार्क के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि उसके बेटे डैनियल ने गेम वगैरह खेलने छोड़ दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ डैनियल पैसे इकट्ठे करने लगता है अपने उस नए गेम को खरीदने के लिए और आखिरकार उसने इतने पैसे इकट्ठा भी कर लिए कि वो अपने उस गेम को खरीद पाए। वो उसे खरीद लेता है और उसके बाद वापस अपने घर पर ही आकर उसे खेलना शुरू कर देता है। उसके पिता ने ये बात कही कि बेटा मैंने तुमसे साफ साफ इस बारे में मना किया था कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं खेलनी है। तो डैनियल ने कहा कि मैं इतना ज्यादा अब नहीं खेलता हूँ, थोड़ा बहुत खेलता हूँ और ज्यादातर अपना टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ बिताने लगा हूँ। लेकिन मार्क को इस बारे में भी पता चल जाता है कि डैनियल अपने दोस्तों के पास जाकर भी वहां पर सिर्फ गेम ही खेलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मार्क ने डैनियल के उस गेम की सीडी को भी ले लिया जो कि वो खरीद कर लाया था और जो गेम अभी अभी नया नया आया था, और उसे उठाकर अपने पास रख लिया। लेकिन
डैनियल को वो गेम किसी भी हालत में चाहिए था, क्योंकि उसे उस गेम की काफ़ी ज़्यादा बुरी लत पड़ चुकी थी। वो पूरा का पूरा दिन 8-8, 10-10 घंटे उस गेम को खेलने लगा था और अपने दोस्त के पास जाने के बाद भी वो उसी गेम को खेला करता था। तो मार्क ने डैनियल से उसके गेम की सीडी ले ली और अपनी अलमीरा में रख दिया। डैनियल अब अपने गेम के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था, तो उसने मार्क से काफी बार ये बात कही, अपने पिता से ये बात कही कि वो वापस उसे गेम की सीडी दे दे। लेकिन मार्क ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जो तुम गेम खेलते हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन डैनियल के सिर पर तो एक ही भूत सवार हो चुका था कि उसे किसी भी हालत में अपने गेम की सीडी चाहिए। तो मार्क अपनी अलमीरा की जहाँ पर चाबी रखा करता था, डैनियल ने उस जगह को भी छान मारा और वहाँ से वो चाबी निकाल ली ताकि वो अपने वीडियो गेम को बाहर निकाल सके। तो वो मार्क की अलमारी की चाबी को लेकर उस अलमारी के पास जाता है और उसका ताला खोल देता है। उसने अपना वीडियो गेम बाहर निकाल लिया, लेकिन वीडियो गेम बाहर निकालने के बाद उसका ध्यान उसी की साइड में जाता है जहाँ पर कि उसका वीडियो गेम रखा हुआ था। उसने देखा कि वहाँ पर एक रिवॉल्वर भी रखी हुई है, तो उसने वो बंदूक भी उठा ली और उसके बाद अलमारी को बंद करके चाबी को उसी की जगह पर पहुँचा दिया। वो अगले दिन फिर से खेलने लगता है। जब उसके पिता घर से बाहर गए हुए थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वैसे भी उसके पिता कंपनी में लगे हुए थे, उसकी माँ नर्स लगी हुई थी और उसकी दोनों बहनें इस टाइम स्कूल में गई हुई थी। तो वो पीछे से खेलने लगता है और उसके बाद टाइम आया 20 अक्टूबर 2007 का, जब उसकी दोनों बहन मार्केट गई हुई थी और घर पर डैनियल के माता पिता के अलावा और डैनियल के अलावा कोई नहीं था। तो डैनियल बाहर आता है जिस टाइम उसके माता पिता बैठकर बड़े ही आराम से टीवी देख रहे थे और उसने अपने माता पिता से ये बात कही कि वो उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता है, प्लीज वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लें। उसके माता पिता इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारा बेटा हमारे लिए क्या लेकर आया होगा, और वो दोनों ही आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन डैनियल उन्हें आंखें खोलने के लिए नहीं कहता, जबकि वो अपने पास से उस रिवॉल्वर को निकालता है जो कि उसने अपने पिता की चुराई थी, और उसके बाद उसने सीधा अपनी माँ के सिर में एक गोली मार दी और उसके बाद उसकी छाती पर इसके अलावा 3 गोलियां और मार दी। इन गोलियों की आवाजों को जैसे ही उसके पिता सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल गई और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हुआ। हमारा बेटा हमें कुछ सरप्राइज देने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने उसकी वाइफ को काफी सारी गोलियां लगी हुई है और वो नीचे मरी पड़ी है। वो डैनियल की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तब तक डैनियल ने अपनी बंदूक को अपने पिता की तरफ घुमा दिया था और उसके बाद अपने पिता पर उसने गोली चला दी। इसी टाइम उसकी बहन भी बाहर आ चुकी थी और इन सभी गोलियों की आवाजों को सुनकर वो तेजी तेजी से वहां पर अंदर आने की कोशिश करती है। और डैनियल को भी इस बारे में पता चल गया कि उसकी बहन अब बाहर आ चुकी है, तो उसने एक प्लान बनाया कि ये दोनों मर्डर उसने नहीं जबकि उसके पिता ने किए थे, और वो बंदूक अपने पिता के हाथ में थमाकर जाकर गेट खोल देता है। जैसे ही उसकी बहन अंदर आई और उसने ये बात पूछी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, तो डैनियल ने अपनी बहन को बताना शुरू किया कि पता नहीं यहाँ पर ऐसी क्या बात हुई। वो अपने कमरे में बड़े ही आराम से काम कर रहा था, उसके माता पिता के बीच लड़ाई होती है, उसके बाद उसके पिता रिवॉल्वर अपनी निकाल कर लाते हैं और उसकी माँ को शूट कर देते हैं, और उसके बाद बंदूक का मुंह उन्होंने डैनियल की तरफ भी घुमाया, लेकिन डैनियल को सॉरी बोलकर उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली। ये सारी चीजें होते ही डैनियल की बहन ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और पुलिस वहां पर आ जाती है। डैनियल अपने पिता को भी बिल्कुल अच्छे से निपटाना चाहता था, लेकिन वो दोबारा से उनके ऊपर गोलियां चलाता, उससे पहले ही उसकी बहन आ गई और उसे तुरंत अपने पिता के हाथ में वो बंदूक थमानी पड़ी और उसके बाद जाकर गेट खोला। इन सारी चीजों का खुलासा होते ही मार्क अपने बेटे डैनियल से मिलता है और उससे यही बात पूछता है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। तो डैनियल ने भी ये बात साफ साफ बतानी शुरू कर दी कि उसे उस गेम की काफी ज्यादा लत पड़ चुकी थी और आप लोग मेरे गेम के बीच काफी ज्यादा आ रहे थे, मुझे वो गेम किसी भी हालत में चाहिए था, वो एक तरह का मेरा एडिक्शन बन चुका था। तो मार्क अपने आप को इस बात का जिम्मेदार ठहराने लगता है कि उसने अपने बेटे को टाइम से तो संभाला नहीं और बाद में उसका गेम बिल्कुल बंद कर दिया। अगर वो टाइम से अगर उसे संभाल लेता, उसे समझा देता, तो शायद वो ये सारी हरकतें कभी ना करता। और ये बात बोलते ही डैनियल मार्क के गले लग जाता है और वो रोने लग जाता है कि वो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। उसने ये सारी की सारी चीज़ें कर तो दी, लेकिन उसे भी अब समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हरकतें उसने आखिरकार क्यों की। अब डैनियल पुलिस स्टेशन में था तो मार्क उससे मिलने के लिए अक्सर जाता रहता था। वैसे तो फिजिकली वो भी काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी मार्क अक्सर डैनियल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाया करता था इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच। और डैनियल मार्क से जब भी मिलता तो वो रोने लग जाता और एक ही बात अपने पिता से कहता कि वो अपनी माँ को काफी ज्यादा याद कर रहा है। ये केस कोर्ट में भी पहुंचता है और कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तो इसी बीच मार्क ने जज से ये बात कही कि मेरा बेटा अपने कारनामों को लेकर काफी ज्यादा दुखी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट
सजेस्ट करता हूँ कि इसकी माँ ने तो अपनी जान गंवा दी है, लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। Very serious consequences of what he did on October 20th, 2007. I know, without any doubt, he has severe regret, remorse, and guilt over what he did to his mom and I that evening. I can't count the number of times he has told me that he is so sorry for what he did and he'll never be able to forgive himself. I can also count the number of times he has told me that he is so happy that I survived and is so glad to still be able to see me. He's told me that numerous times. I love you, Danny. I can't count the number of times that he said, Dad, I miss Mom. I miss Mom. His pain runs very deep, and it should. I believe it should run deep. And if his pain did not run deep, I guarantee you I would not be standing here speaking on his behalf. I call him like I see him. And I would not stand here and talk on his behalf if his pain didn't run deep. I know it does. So I'm asking the court on Danny's behalf for a lenient sentence. I'm going to say Danny does have remorse and regret. And I believe God is a God of forgiveness and a God of second chances. इसने जो काम किया है उसे लेकर इसे काफी ज्यादा रिग्रेट है, लेकिन इसकी माँ ने तो अपनी जान गवाह ही दी है। प्लीज आप इसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए और हो सके तो इसकी गलती को माफ कर दीजिए। जज भी मार्क की पूरी बातों को सुनता है और आखिर में मार्क को उस जज ने यही बात कही कि इसने जो काम किया था वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। सबसे पहले इसने दो लोगों की जान लेने की कोशिश की जिसमें से एक बंदे ने अपनी जान गवा दी है और उसके बाद झूठा इल्जाम लगाया कि आपने ही आपकी पत्नी की जान ली है। वैसे तो इसे मौत सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग इसे लाइफ इन प्रिजन दे रहे हैं और 23 साल बाद ये पैरोल के लिए अर्जी दे पाएगा। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और स्टोरी देखने के लिए ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट इमरान खान को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।